Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नामजद हो गए। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने आर्ट मैकडोनल्ड की तकरीरी का ऐलान कर दिया। बैनल अक्वामी मुसाफिर भी कोविड 19 के फैलाव का मवज्जिब हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने दावा किया है कि मुसाफिर करंटीन उसूलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कनाडा भर में मौली कोरोना वायरस के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 5,28,354 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 7,90,84,198 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 17,38,125 हो गई। इसराइली पार्लियामेंट तहलील होने के बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। इसराइली पार्लियामेंट बजट बिल 2020 पास करने में नाकामी पर तहलील की गई। रूसी सदर ने ताहयात इस्तस्ना हासिल कर लिया। व्लादिमीर प्योतन के अलावा उनके अहले खाना को भी उनके दौरे इक्तदार के बाद भी किसी तरह की तहकीकात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमरीकी गुरुकारा रिहाना को गाना चोरी करने के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। जर्मन आर्टिस्ट ने उनका गीत फौरी तौर पर इस्तेमाल से रुकवाने का मुतालबा कर दिया। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर नई वीडियो जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज अदाकारा राकुल प्रीत सिंह में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो करंटीना में है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Greenish hand sanitizer, Ala Clean quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare. www.greenish.com. कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मौसम सरमा में सुबकदोश होने वाले जनरल जोनाथन वॉन की जगह वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जानिब से मौसम सरमा में सुबकदोश होने वाले जनरल जोनाथन वॉन की जगह वाइस एडमिरल आर्ट मैकडोनल्ड को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। आर्ट मैकडोनल्ड इस वक्त रॉयल कैनेडियन बहरिया के कमांडर हैं और दिफाई बरादरी में इस ओहदे के मुमताज उम्मीदवार समझे जाते हैं। आर्ट मैकडोनल्ड ने कई सालों से बहरिया के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। वो दो दहाइयों से भी ज्यादा अरसे तक दिफाई चीफ के ओहदे पर फाइज होने वाले पहले बहरिया के अफसर हैं। साले नौ के मौके पर कमान की तब्दीली की तकरीब में आर्ट मैकडोनल्ड को तरक्की देकर मुकम्मल एडमिरल बनाया जाएगा। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव में जारी इकदामात में फौज ने भी अहम किरदार अदा किया है। ट्रूडो का कहना था कि आर्ट मैकडोनल्ड नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से मुसल्ला फौज के काम की निगरानी करेंगे और उम्मीद है कि मैकडोनल्ड की क्यादत और महारत मौसर साबित होगी, क्योंकि मुसल्ला फौज कैनेडा के शहरियों को महफूज रखने के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने विफाकी हुकूमत को बैन अलाक्वामी मुसाफिरों से ऑन्टेरियो को बचाने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम ना करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बैन अलाक्वामी मुसाफिरों से सूबे में कोविड 19 का फैल जाना भी एक मसला है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हकायक ये हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवलर से कोविड-19 के फैलाव के लिए इंतहाई खतरा है। अमेरिका में नए किस्म के कोरोना वायरस की दरियाफ्त के बाद सरहद के बारे में तशवीश है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफरों का कैनेडा के हवाई अड्डों पर कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाना चाहिए। प्रीमियर डग फोर्ड ने वफाकी हुकूमत को बैनुल-अक़वामी मुसाफरों से ऑन्टेरियो को बचाने के लिए खातिरख्वाह इकदाम न करने पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा के बैनुल-अक़वामी मुसाफरों से सूबे में कोविड-19 का फैल जाना भी एक मसला है। प्रीमियर डग फोर्ड की जानिब से दावा भी सामने आया है कि मुसाफिर क्वारंटीन उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। डग फोर्ड ने टोरंटो के पेरसन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले मुसाफरों की जाँच न करने पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुसाफरों का एक चौथाई हिस्सा क्वारंटीना के बगैर बाहर है। वफाकी हुकूमत की जानिब से हमें खतरात से बचाने के लिए सरहदों पर इकदाम ना काफी हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,597 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 14,597 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 183,523 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,867 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 162,663 तक जा पहुँची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,229 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 93,781 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 890 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 48,027 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 796 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,34,218 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,90,84,198 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 17,38,125 हो गई, जबकि 5,56,72,030 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,34,218 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 1,89,17,152 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,46,778 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मौजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1,01,23,778 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,89,264 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 73,66,677 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 52,461 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 29,33,753 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 61,978 हो चुकी है, जहाँ इसके अब तक कुल केसेस 25,05,875 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 70,395 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 19,91,278 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,148 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,61,536 तक जा पहुँची है। इसराइल में बजट मंजूरी की नाकामी के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, जिसके बाद आम इंतखाबात आइंदा साल मार्च में कराए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इसराइल में बजट मंजूरी की नाकामी के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, जिसके बाद आम इंतखाबात आइंदा साल मार्च में कराए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर योरियो लियोन ने टीवी पर पार्लियामेंट के तहलील होने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द आम इंतखाबात कराए जाएंगे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को गुज़िश्ता शब 12 बजे तक पार्लियामेंट से बजट बिल पास कराना था, ताहम नाकामी पर पार्लियामेंट तहलील हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बजट बिल के हक
में 47 और मुखालफत में 49 अरकान ने वोट दिया, जबकि गुज़िश्ता 2 सालों में ये चौथी बार हुआ है कि जब इसराइली हुकूमत को आम इंतखाबात का ऐलान करना पड़ा। इसराइली कानून के मुताबिक पार्लियामेंट की तहलील के 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद जरूरी है, जिसके बाद अब मार्च में इंतखाबात कराए जाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर दस्तखत करके किसी मुजरमाना इस्तिखासा के खिलाफ अपने लिए मुस्तकिल तहफ्फुज़ हासिल कर लिया है। मुस्तकबिल में तमाम साबिक सदूर ताहयात सजा से मुबर्रा रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कानून के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के अलावा उनके अहले खाना को भी उनके दौरा इक्तदार के बाद भी किसी तरह की तहकीकात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तक रूसी सदूर के इस्तिस्ना से मुतालिक कानून के तहत सिर्फ उनके सदारती ओहदे की मुद्दत के दौरान होने वाली कार्रवाइयों के मामले पर ही तहफ्फुज़ हासिल था। मुस्तकबिल में तमाम साबिक सदूर ताहयात सजा से मुबर्रा रहेंगे। सिर्फ गद्दारी या संगीन जराइम की सूरत में ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। मजीद बरां वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात से चंद रोज कबल रूस ने मजीद 300 फौजी इंस्ट्रक्टर्स वहां भेजे हैं। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि क्रिमल ने बेंगोई की एक दरख्वास्त पर यह इकदाम किया है। अपोजिशन मुसल्ला ग्रुपों ने बैरूनी कुवतों की मदद से सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। रूसी फौजी तरबियत कारों को वस्ती अफ्रीका एक ऐसे वक्त पर भेजा गया जब वहाँ हुकूमत की तरफ से साबिक सरबरा मुमलिकत फ्रांसवा बोजीजे के खिलाफ बगावत की मनसूबाबंदी करने का इल्जाम आयद किया गया है। बोजीजे ने ताहम इसकी तर्दीद की है। अमरीकी गुलुकारा रिहाना को गाने चोरी के इल्जाम पर जर्मन सिंगर बाब बेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ गया। इस मामले पर गुलुकारा या ब्रांड की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी गुलुकारा रेहाना को गाने चोरी के इल्जाम पर जर्मन सिंगर बाप बेटी की जानिब से कानूनी कार्रवाई का सामना है। जर्मन आर्टिस्ट किंग खान और सबलू ने दावा किया है कि अमरीकी गुलुकारा रेहाना ने कॉस्मेटिक्स इश्तिहार में उनकी इजाजत के बगैर उनके गीत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने दावा किया कि गीत गुड हैबिट्स और बैड लिखा और म्यूजिक दिया है, जिसे अदाकारा ने बगैर पूछे ब्रांड की तशहीर में इस्तेमाल किया, जबकि इसे लाखों अफराद देख चुके हैं। बाप बेटी की जोड़ी ने मुतालबा किया कि उनका गीत फौरी तौर पर इस्तेमाल से रोका जाए। मामले पर गुलुकारा या ब्रांड की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी गुलुकारा पर इसी नौयत के इल्जामात लगते रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर अपनी नई वीडियो जारी कर दी है। फॉलोअर्स में इजाफे पर अदाकारा की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह ने 16 मिलियन फॉलोअर्स होने पर नई वीडियो जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज अदाकारा राकुल प्रीत सिंह में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी, जिसके बाद से वो करंटीना में हैं। बॉलीवुड अदाकारा राकुल प्रीत सिंह के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 1,60,00,000 हो गई। अदाकारा में मोहलिक वायरस की तशखीस से कबल अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी। अदाकारा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तादाद पर 1,60,00,000 से तजावुज कर गई है और इस पर राकुल ने खुशी का किया है। इस मौके पर अदाकारा ने वीडियो भी जारी की है, जिसमें वो 16 मिलियन फॉलोअर्स होने का जश्न मना रही हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.